इंदौर यानी स्वच्छता में टॉपर शहर, ये इंदौर के लोगों की साझा उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा पर लगातार पांचवी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान प्राप्त करने वाला इंदौर शहर अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सस्टेनेबल मॉडल में एक और अभिनव प्रकल्प जोड़ने जा रहा है। इसके अंतर्गत 550 टन प्रतिदिन क्षमता वाले गोबरधन संयंत्र की स्थापना की गई है। इंदौर में 100% सेग्रीगेटेड 6 प्रकार के कचरे को संग्रहित कर घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, उद्यानों, चिकित्सा संस्थानों, मांसाहार दुकानों से पृथक पृथक वाहनों द्वारा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाकर गीले कचरे को हुक लोडर के माध्यम से CNG प्लांट पर पहुँचाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का सपना देखिए, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है हिंदुस्तान में। एक व्यक्ति अगर ठान ले तो पूरे देश की सोच बदल जाती है। CNG प्लांट पर सबसे पहले गीले कचरे को प्री ट्रीटमेंट व स्क्रीनिंग कर हैमर मिल में भेजा जाएगा और कचरे को स्लरी में बदला जाएगा। हैमर मिल से निकले रिजेक्ट को कंपोस्ट प्लांट पर कंपोस्ट उत्पादन के लिए भेजने के बाद स्लरी को प्री डाइजेशन के बाद मेन डाइजेस्टर में भेजा जाएगा। 20 से 25 दिन के डाइजेशन के बाद बायोगैस प्राप्त होगी। इस बायोगैस को बलून में संग्रहित कर गैस अपग्रेडेशन प्लांट में भेजकर शुद्धिकरण से 95% मीथेन युक्त 17-18 टन बायो CNG प्रतिदिन प्राप्त होगी, जिसका उपयोग 400 सिटी बसों में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इस प्रक्रिया में किसानों के उपयोग के लिए प्रतिदिन 100 टन जैविक खाद भी प्राप्त होगी। साथ ही इस प्लांट के संचालन से कार्बन क्रेडिट भी अर्जित होगी। इस ठोस अवशेष रहित प्लांट, पर्यावरण हितैषी निपटान, सोलर पैनल एवं हरित गैस के उपयोग से प्रतिवर्ष लगभग 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। इंदौर माननीय प्रधानमंत्री जी के पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को आत्मसात कर सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर होने जा रहा है।